हे गाइस, अभी मैंने रिसेंटली ये पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो ये वीडियो भाई फुल्ली गेमिंग लैपटॉप बाइंग गाइड होने वाली है। जब आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने जाओ तो आपको ये सातों के सातों पॉइंट्स एटलीस्ट दिमाग में तो होने ही चाहिए ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट चॉइस को चूज कर सको। तो मैंने इस वीडियो को सात पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वही शुरू करते हैं। पहला पॉइंट होने वाला है लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी से। आप उसको टेस्ट कर सकते हो। सिंपली आपको लैपटॉप को बंद करना है और ऊपर से एक फिंगर से आपको प्रेशर डालना है, हल्का सा प्रेशर डालना है। फिर आपको ये देखना है कि लैपटॉप की जो ऊपर वाली स्क्रीन है वो कितनी अंदर को दब रही है। अगर कुछ ज्यादा दब रही है तो भाई इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है लैपटॉप की। तब गेमिंग लैपटॉप में भाई आजकल फाइबर बॉडी ही आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि वैसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ही ना कंपनी वाले। खैर, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि होने वाली है भाई डिस्प्ले से। गेमिंग क्वालिटी आप कितनी अच्छी क्यों ना कर लो, अगर डिस्प्ले बेकार है तो भाई पिक्चर क्वालिटी भी आपको खराब ही देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए आप कोशिश करो कि आपको ओलेड डिस्प्ले की स्क्रीन तो भाई देखने के लिए मिले ही मिले लैपटॉप में। अगर ओलेड नहीं मिल रहा है तो भाई आईपीएस भी चलेगा। बाकी अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो भाई 60 हर्ट्ज से तो भाई ऊपर ही लेना रिफ्रेश रेट। आपका चाहे सीपीयू और जीपीयू कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अच्छे से अच्छे एफपीएस ही क्यों ना निकाल रहा हो गेमिंग में, अगर आपके पास 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, मतलब वो 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आपको स्क्रीन दिखाएगा, तो भाई ट्राई करें कि 60 हर्ट्ज के ऊपर हो। 90 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज तो भाई होने ही चाहिए। अब भाई बात करते हैं कूलिंग की। काफी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा बन जाता है। कूलिंग भी डिपेंड करती है लैपटॉप के डिजाइन पे। तो दो तरीके के आपको डिजाइन देखने के मिलते हैं। पहला है जिसमें आपको सीपीयू और जीपीयू एक ही साथ लगा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि भाई आपको कूलिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं अगर सीपीयू लेफ्ट साइड लगा हुआ है, जीपीयू राइट साइड लगा हुआ है, तो भाई उसमें आपको कूलिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। वो लैपटॉप आपको कूलिंग ज्यादा अच्छे से करके देगा। अब बात करते हैं भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो भी है। देखिए, मार्केट में आपको इंटेल वर्सेस एएमडी तो देखने के लिए मिलता ही है। इंटेल में आपको i3, i5, i7, i9 देखने के लिए मिलता है और AMD में आपको Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 देखने के लिए मिलता है। अब आप कौन सा लेते हैं वो आपके बजट के ऊपर पूरा निर्भर करता है, पर जितना ज़्यादा आप आगे को जाएंगे, मतलब Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, प्रोसेसर और बढ़िया होते चले जाते हैं। अब मैं बात करूँ, इसमें एक चीज़ और आती है, वो है जनरेशन। अभी जो करेंट जनरेशन चल रही है, जो कि लेटेस्ट है, 12 जनरेशन, अगर मैं कंपेयर करूँ i3 12 जनरेशन वर्सेज i5 11 जनरेशन, तो भाई आराम से i3 12 जनरेशन बीट कर देगा i5 11 जनरेशन को। तो आप कंसीडर करें कि भाई i3 12 जनरेशन वाली गेमिंग लैपटॉप आपको देखने के लिए मिल रहे, तो एटलीस्ट i5 11 जनरेशन तो होना ही चाहिए। और अगर AMD के साथ जाने तो भाई Ryzen 5। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो कि भाई GPU। भाई अगर सबसे बेस्ट GPU की बात करें तो वही RTX 3050 और 3060 वाले GPU आपको देखने के लिए मिलेंगे। पर भाई अगर आपको बजट इतना ज़्यादा अलाउड नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट GTX 1650 Ti और RTX 2050 तो भाई कंसीडर करना ही है आपको। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं भाई रैम की। 8GB DDR4 रैम का भाई जमाना गया। अगर आपको गेम खेलना है लैपटॉप में अच्छे से, तो भाई 16GB DDR4 रैम को तो भाई कंसीडर आपको करना ही पड़ेगा। सेवन्थ पॉइंट में आते हैं भाई बैटरी लाइफ और स्टोरेज की। स्टोरेज की बात करें तो सीधी सीधी बात, आपको SSD के साथ ही जाना है। मिनिमम 512GB तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर आपका जितना बजट अलाउड करें आप जा सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो भाई गेमिंग लैपटॉप में आपको बैटरी लाइफ ना के बराबर ही देखने के लिए मिलती है। 4 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। तो गेम खेल रहे हैं अगर आप बैटरी के ऊपर, तो भाई आधा घंटा या 45 मिनट बस। तो भाई वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और बाकी मैंने कुछ अच्छे लैपटॉप आपके लिए छांटे हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। कि मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।